Assalamualaikum students as you know that we are discussing class 10 biology chapter number 11 homeostasis so we are discussing homeostasis in plants now we will discuss the remaining parts of this topic like we will discuss removal of other metabolic waste from the plant body it means how does plant remove मेटाबॉलिक वेस्ट फ्राम देअर बॉडी अब क्वेश्चन राइज होता है मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट आर दोज वेस्ट विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी बायो केमिकल रिएक्शंस मीन्स ये जो आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर उड़े होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में लाइक एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शन उसके रिजल्ट में जो फूड की ब्रेकडाउन हो उड़े होते हैं उसके रिजल्ट में जो आपके वेस्ट मटीरियल बनते हैं उनको आप मैटाबोलिक वेस्ट कहते हो so in plants metabolic waste deposit in their bodies and uh, it deposited फॉर्म ऑफ देश के अंदर स्टोर होते हैं उनकी बॉडी को डैमेज नहीं करते अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कैल्शियम ऑक्सीड की विच इज अटाबॉलिक वेस्ट ये प्लांट्स के लीवस एंड स्टेम में एज अ क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर होता है नीडालाइक स्ट्रक्चर -like की फॉर्म में स्टोर होता है और ये किन प्लांट्स के अंदर स्टोर हो रहा है टोमेटो के अंदर इट मीन्स के टोमेटो में आपका जो कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिटेड हो रही हैं एज अ हार्मलेस मटीरियल यानी इट मीन्स के उनकी बॉडी को ये क्या कर देती हैं डैमेज नहीं करती ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस दी रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेज इन अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइक इन ट्रीज विथ शेड देयर लीज ईयरली इट मीन्स कि ऐसे ट्रीज़ जो कि अपने ईयरली लीव्स को फॉल करते हैं उनमें भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो कैसे रिमूव होते हैं यूजुअली जिनके अंदर लीव्स फॉल हो रहे होते हैं वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लीव के अंदर स्टोर कर देते हैं और देन जब वो ईयरली लीव फॉल होते हैं तो देन उनकी बॉडी में से ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो जाते हैं रिमूवड हो जाते हैं द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग लीव फॉल लाइक ये जो डिजाइडस ट्रीज होते हैं जिनके तो ईयरली लीफ फॉल होता है लाइक मैपल ट्रीज होते हैं उनकी बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग लीफ फॉल जो होता है वो क्या हो जाते हैं रिमूव्ड हो जाते हैं क्योंकि वो मेटाबॉलिक वेस्ट उनके लीफ में स्टोर होते हैं और जब लीफ फॉल हो जाता है तो वो अल्टीमेटली उनकी बॉडी में से क्या हो जाते हैं रिमूव्ड हो जाते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस दी अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स लाइक सम प्लांट्स लाइक रेजन्स रीजन्स आर रिमूव्ड बाय दी कॉर्निफेडिस्ट्रीज अब ये जो रीजन्स हैं ये आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं अब ये जो रीज़न होता है ये क्या होता है बेसिकली रीजन्स ये आपका स्टिकी मटीरियल होता है स्टिकी मटीरियल होता है फ्लेमेबल मटीरियल होता है जो कि आपका क्विकली फायर को कैच करता है और ये फ्लेमेबल मटेरियल जो होता है ये आपका यूजली एडहेसिवस में यूज़ होता है ग्लू बनाने में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है रीजन्स को और ये कॉर्नीफेडिस ट्रीज़ इसको रिलीज़ करते हैं कॉर्नीफेडिस ट्रीज़ ऐसे ट्रीज़ जिनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं और उनके अंदर कॉर्नस प्रेजेंट होती हैं वाइल गम्स जो हैं गम्स भी आपके क्या हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं गम्स और ये स्टिकी मटीरियल होता है गम्स जो कि आपका कीकर प्लांट होता है उसके थ्रू क्या होता है रिलीज होता है ये मेटाबॉलिक वेस्ट अब ये जो गम्स हैं ये आपका भी स्टिकी मटेरियल होता है और इसको एडहैसिवस में इसको यूटिलाइज करते हैं नेक्स्ट है आपका जो वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिक वेस्ट वो लेटिक्स है लेटिक्स जो है आपका रिमूवड होता है रबर प्लांट के थ्रू रबर प्लांट जो होता है वो आपका जो लेटिक्स मटीरियल है जो कि मिल्की लिक्विड लाइक मटीरियल होता है मिल्की फ्लूड होता है इट इज़ रिमूव बाय द रबर प्लांट और ये जो लेटिक्स मटीरियल है ये आपका रबर की मैन्यूफैक्चरिंग में इसको क्या करते हैं यूटिलाइज़ करते हैं देन है म्यूसिलेज म्यूसिलेज इज़ ऑल्सो अ स्टिकी मटीरियल ये नेक्टर होता है जो कि आपकी जो लेडी फिंगर्स होती हैं उनके अंदर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप उनका अपर पार्ट रिमूव करते हो तो उसके अंदर स्टिकी मटीरियल उसके अंदर प्रेजेंट होता है डैट इज़ कॉल्ड द म्यूसिलेज इसके अलावा जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि जो फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे उनके अंदर भी म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लाइक इन सन ड्यू एज यू कैन सी इन द डायग्राम. इट इज़ द इट इज़ द पिक्चर ऑफ द सन ड्यू प्लांट विच इज़ अ कार्निवोरस प्लांट इसकी यहाँ पे साइड पे यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट होता है उसी नेक्टर होता है म्यूसिलेज होता है स्टिकी मटेरियल होता है जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में यूटिलाइज़ किया जाता है और ये जो म्यूसिलेज है ये इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है ये वेस्ट मटेरियल है सो एज यू कैन सी इन दी डायग्राम ये रेज़न ड्रॉप्स हैं ट्रीज़ के अंदर कॉर्नीफेरस ट्रीज़ में ये लेटिक्स मटीरियल है जो कि मिल्की फ्लूड है जो कि एक्सट्रैक्ट टोड़ है आपका रबर प्लांट से और रबर बनाने में इसको यूटिलाइज़ करते हैं देन ये आपका म्यूसिलेज है जो कि सन ड्यू प्लांट कार्निवोरस प्लांट के ऊपर ये आपको दिखाया गया है ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है देन आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीव फॉल इफ़ द लीव्स आर नॉट शेयर द कैल्शियम ऑक्सीड जस्ट रिमेन्स एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव्स अब वो कहें जो रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ फॉल मीन्स के लीफ फॉल अगर इनमें ट्रीज के अंदर नहीं भी होते तो कैल्शियम ऑक्सीड जस्ट आपका हार्मलेस क्रिस्टल ही लीव्स में रहेगा वो लीवस को डैमेज नहीं करेगा अगर लीव फॉल नहीं होते लेकिन अगर लीव फॉल हो जाते हैं तो उनकी बॉडी से क्या हो जाएगा रिमूवड हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स एट दी एंड वी विल डिस्कस दॉर्ट क्वेस् फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू होमस्टेसिस एंड होमस्ट्रेसिस इन प्लांट्स लाइक रिमूवल ऑफ

एंड uh, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जिस फॉर्म में आ सकते हैं वो है हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड वाटर